रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि अब आरबीआई को इंडियन रुपी को यूएस डॉलर के कंपैरिजन में धीरे धीरे कमजोर होने देना चाहिए और आरबीआई को अपने पास पड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डेस्परेट ना होकर सेंसिबल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट ऐसे टाइम पर आई है जब आरबीआई ने इंडियन रुपी को गिरने से रोकने के लिए डेस्परेटली 110 बिलियन यूएस डॉलर स्पेंड कर दिए और इसके बावजूद इंडियन रुपी लास्ट मंथ सबसे ज्यादा वीक होकर एक यूएस डॉलर के कंपैरिजन में 83 रुपीस के बराबर पहुंच गया और इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने दो सालों के ऑल टाइम लो लेवल पर पहुंच गए। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगातार कम जरूर हुए हैं, लेकिन अक्टूबर के लास्ट वीक में 6.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंक्रीमेंट भी देखा गया। अब इससे ये कहा जा सकता है कि इंडिया के पास सफिशियंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट होने से रोकने के लिए, लेकिन आरबीआई को इन्हें संभाल कर रखना चाहिए किसी भी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए।